व्हाट्स अप सी ए आई पी सी सी क्लियर करने वालों, आप लोगों को मुबारकबाद। और जिनसे क्लियर नहीं हो पाया उनसे करेंगे हम बातचीत। क्यों क्लियर नहीं हो पाया, क्या दिक्कतें आई थी? सर सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि ये कि आई पी सी सी को लेके इस बार बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हो रहे हैं। सबसे एक बड़ा अजीब सा क्वेश्चन आ रहा है बार बार कि सर आई पी सी सी का कोई सिलेबस चेंज तो नहीं हो रहा, कहीं कोई सब्जेक्ट ऐड तो नहीं हो रहा, कहीं कोई सब्जेक्ट डिलीट तो नहीं हो रहा? क्योंकि इंस्टीट्यूट ने बीच में एक नए सब्जेक्ट का प्रपोजल, नए सिलेबस का प्रपोजल दिया था जिसके अंदर कुछ सब्जेक्ट्स इधर उधर हो गए थे। बट लेट मी टेल यू, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, डोंट वरी एट ऑल, कोई सिलेबस में चेंज नहीं है, देर आर जीरो चेंजेस। इंस्टीट्यूट की सप्लीमेंट्री आएगी, उसमें अगर कुछ लॉ को लेके या आपके ऑडिट को लेके कुछ छोटे मोटे चेंजेस तो हों, सब्जेक्ट वाइज देर इज नो चेंज। कोई नया सब्जेक्ट ऐड नहीं हुआ, कोई नया सब्जेक्ट डिलीट नहीं हुआ। ओके, सो जस्ट रिलैक्स, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, देर इज नो चेंज एट ऑल इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट। एज सच कोई नया सब्जेक्ट ऐड नहीं हुआ, कोई सब्जेक्ट आपका डिलीट नहीं हुआ। अगर कुछ छोटी मोटी स्टैचुटरी अपडेट्स होंगी तो वो आपको इंस्टीट्यूट की आरटीपी के थ्रू या इंस्टीट्यूट के सप्लीमेंट्री के थ्रू मिल जाएगी। इनकम टैक्स के लिए या फिर टैक्सेस के लिए फाइनेंस एक्ट 2015 विल बी एप्लीकेबल, तो उसकी अमेंडमेंट्स आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। ओके, तो दिस इज अ स्मॉल थिंग विच यू शुड कीप इन माइंड एंड स्टॉप बॉदरिंग अबाउट दिस कि सर कोई सब्जेक्ट ऐड हुआ है या डिलीट हुआ है।